नमस्कार दादा, आप स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं विपुल आपका दोस्त एक बार फिर से आपके बीच जुड़ चुका हूँ। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ नए स्टैंडर्ड के साथ आपके बीच जुड़ा हूँ। और नया स्टैंडर्ड हमारा कौन सा है, वो है 800 की सीरीज। अगर आप किताब से पढ़ेंगे ऑडिट की तो वहां पर स्पेशलाइज्ड एरियाज करके होगा। ये एक नया ऐसे ऐड हुआ है आज से 800 की सीरीज, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट 800 की सीरीज है। यहाँ पर अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो यार प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आपको मैं बताऊं, ये वीडियो बनाने से पहले मैं एक वीडियो बना ही रहा था, 800 की पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी। एक दो बार ऐसा हो चुका है और बाद में पता चला उसके अंदर वॉइस इशू थे, एक बार पता चला कि कुछ गलती हो, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो यहाँ पर देखिए बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं। अगर एफर्ट्स आपको मेरे पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अगर नहीं आ रहे तो डिसलाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आप और किसी वीडियो चाहेंगे मेरे से, मैं उसके साथ आपके बीच जुड़ जाऊंगा। बिना देर करे स्टार्ट करते हैं अपना यहाँ पर ये टॉपिक एसे 800। अगर बात करें, ये है वो नोट्स जो मैंने आपके लिए बनाए हैं। देखिए ये नोट्स मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए बहुत आसान है 800 की सीरीज। 800 की सीरीज की बात करें, पहले हम बात करते हैं 700 तक की सीरीज क्या कहती थी। 700 तक की सीरीज होती थी जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के ऊपर बेस्ड। किसके ऊपर? जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। आपने क्या पढ़ा होगा कि हम जो फाइनेंशियल रिपोर्ट FRF डिजाइन करते थे, वो हम डिजाइन कैसे करते थे? कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, एक वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए हम प्रिपेयर करते थे। लेकिन जो FRF SFS है ना, SFS क्या कहता है? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ऑडिट। इसका मतलब पहले SA 800 कहता क्या है, ये है स्पेशल कंसिडरेशन किसके ऊपर? ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द स्पेशल पर्पस, यहाँ पर एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक यूजर्स, कि जो फ्रेमवर्क हम बनाते हैं किसी स्पेसिफिक यूजर्स के यहाँ पर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर स्पेसिफिक यूजर आप मेरे से पूछेंगे कहीं आपको मिलेगा इंटेंडेड यूजर्स, तो स्पेसिफिक यूजर्स और इंटेंडेड यूजर्स कौन होते हैं? स्पेसिफिक यूजर्स और इंटेंडेड यूजर्स हमारे ये कुछ तीन होते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो आपकी स्टडी मटेरियल में दे रखा है, एक क्रेडिटर हो गए, या फिर रेगुलेटर हो गए, या फिर किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट के वजह से आपको यहाँ पर ये फ्रेमवर्क यहाँ पर डिजाइन किया है, ठीक है। तो अगर आप देखें, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये स्टडी मटेरियल में आपको हर ऑथर की किताब में मिलेगा, स्टडी मटेरियल में मिलेगा, जिसकी भी अगर अच्छे ऑथर की आपने किताब ले रखी होगी, क्वेश्चन बैंक ले रखा होगा, तो इसमें क्या है एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है? कैश रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट अकाउंट फॉर द कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर फॉर द क्रेडिटर। क्रेडिटर के लिए कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करी है, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोविजन एस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटर, या FR प्रोविजन एस्टेब्लिश्ड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या तीन पॉइंट क्या है? एक है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन एस्टेब्लिश्ड बाय द रेगुलेटर, और तीसरा है कैश रिसिप्ट फॉर द कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉर प्रिपेयर्ड फॉर द क्रेडिटर। ये तीन पॉइंट है, आपको कैसे याद रखना है? CRC से याद कर लोगे, एक पॉइंट क्रेडिटर का होगा, एक रेगुलेटर का होगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर उसके बाद बात करें क्या क्या, क्रेडिटर, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलेटर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेगा, लेकिन ये इसका एक कंसेप्ट यहाँ पर आपके स्टडी मटेरियल में है कि कंसिडरेशन आपको क्या वेन एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट, क्या कंसिडरेशन याद करनी है कि आपको इससे आपको 210 की याद आ जाएगी कुछ कुछ। तो 210 क्या कहता है, आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या फैक्टर्स है जो आप डिटरमाइन करेंगे जिससे एप्लीकेबल FRF को? तो एप्लीकेबल FRF क्या होता है? एप्लीकेबल FRF होता है FRF एस्टेब्लिश्ड बाय द ऑथराइज्ड एंड द रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जैसे एग्जांपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय द ICAI। रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाया है? ICAI ने। यहाँ पर या फिर फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स आर सप्लीमेंटेड बाय द लेजिस्लेटिव और द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, या फिर FRF यहाँ पर की एडिशनल रिक्वायरमेंट यहाँ पर वो है किसकी? लेजिस्लेटिव और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की। जैसे कि कंपनीज एक्ट कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यहाँ पर शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाना है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाना है। तो ऐसे 210 क्या कहता है? डिटरमाइन करो वेदर कोई कंफ्लिक्ट है इनके बीच में या नहीं, अगर है तो प्रिस्क्राइब द एक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। ये चीज थी, ये आपका एप्लीकेबल से रिलेटेड पॉइंट था। एप्लीकेबिलिटी आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? यहाँ पर आपने क्या डिटरमाइन करना है? एक्सेप्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी? डिटरमाइंड बाय कंसीडरिंग द फ्रेमवर्क एग्जिबिट्स एट्रीब्यूट द फैक्टर्स नॉर्मली एग्जिबिटेड बाय द एप्लीकेबल FRF। ये कह रहा है, ये जो है ना, क्या ये जो फैक्टर्स हैं, क्या वो एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर जो कि एक एप्लीकेबल FRF के लिए नॉर्मली एग्जिबिट करते हैं?
तो ये एक प्रोफेशनल जजमेंट का मैटर है, ये फैक्टर्स मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, ये मतलब स्टडी मटेरियल में नहीं है, ये कुछ फैक्टर्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, ये आप छोड़ भी सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका एक सीएल ललिता करके एक आपको स्टडी मटेरियल में दिखेगा, अगर आप इसको पढ़े तो इसका आंसर ये छोटा सा आंसर है, बहुत छोटा सा। ये क्या कह रहा है, देर इज नो बार ऑन एक्सेप्टिंग एन एंगेजमेंट इवन दो द शी इज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अगर वो ऑडिटर है कंपनी की तब भी कोई बार नहीं है, आप किसी स्पेसिफिक यूजर्स की के लिए स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क के हिसाब से यहाँ पर उसका ऑडिट कर रहे हैं, तो आपको डिस्क्लोज करना है फैक्ट अदर मैटर पैराग्राफ में ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट एग्जाम का ये क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है एक बार, जब ओल्ड कोर्स में हमारे पिछले से पिछले कोर्स में था, कंसिडरेशन वेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। तो इसके क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, आपको क्या करना है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लेनी है एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। जैसे कि अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करी है मैनेजमेंट ने एज पर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करी है, तो आपको पहले ऑडिटर को क्या करना है, ऑप्टेन करनी है, अंडरस्टैंडिंग ऑप्टेन करनी है किसकी, सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट द मैनेजमेंट मेड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि मैनेजमेंट ने इंटरप्रिटेशन लिया है जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। एक पॉइंट आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गई। उसके बाद ऐसे 200 से आपको क्या याद रखना है, ऐसे 200 क्या कहता है, आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंडिपेंडेंस की बात करता है और कहता है आपको सारे एसओ का रिक्वायरमेंट की कंप्लाई करना है, कंप्लायंस विद ऑल द एसेज रिलेवेंट टू द ऑडिट, ठीक है। कभी कभार हमें डिपार्ट भी करना पड़ सकता है किसी स्पेसिफिक अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करके टू अचीव द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आप तीसरा पॉइंट कैसे याद रखेंगे, 320 से रिलेटेड ये दो पॉइंट है, 320 के अंदर हम एक जजमेंट लेते हैं, तो ये क्या कह रहा है कि जजमेंट अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन द कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स। यहाँ पर 320 में हम कॉमन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स के लिए को ध्यान में रख के जजमेंट लेते थे, लेकिन यहाँ पर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंटेंडेड यूजर या फिर स्पेसिफिक यूजर को देखकर यहाँ पर हम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये क्या पॉइंट था, एप्लीकेशन ऑफ द सम रिक्वायरमेंट ऑफ एसए इन द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन, ये आप याद कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, इन केस ऑफ अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कोई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है तो मैनेजमेंट जो है एग्री कर सकती है ऑन द बिलो द थ्रेशोल्ड, मतलब एक थ्रेशोल्ड जो एक हम 320 क्या कहते हैं मटेरियलिटी से रिलेटेड, वहां पर हम एक थ्रेशोल्ड फिक्स करते हैं। देखो जैसे ये क्या कह रहा है कि अगर स्पेशल पर्पस के लिए ना, तो एक हम बिलो थ्रेशोल्ड के ऊपर भी एग्री कर सकते हैं, ऑन विच द मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड विल नॉट बी करेक्टेड, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ सच थ्रेशोल्ड डज नॉट रिलीव द ऑडिटर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियलिटी, लेकिन वो जो मटेरियलिटी जो 320 वाली है उससे इसको रिलीव नहीं करेगा ऑडिटर को, समझ आई। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट है कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, ये 260 अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एफआरएफ सेम नहीं होता तो जो ओवरसाइट कर रहे हैं जो कम्युनिकेट करेंगे वो भी अलग अलग होंगे। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हैं। एक पॉइंट आप कैसे याद रखेंगे, पहला पॉइंट आप एक एसए 200 से याद रखेंगे, रिक्वायरमेंट ऑफ कंप्लायंस ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए, ठीक है। उसके बाद आप 320 से याद रखेंगे जजमेंट वाले पॉइंट से, उसके बाद आप 320 से एक ये वाला पॉइंट याद करेंगे इंटेंडेड यहाँ पर थ्रेशोल्ड बिलो द लिमिट, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से, और एक आखिरी पॉइंट 260 कम्युनिकेटिंग विद द टीसीडब्ल्यूजी से। आप हेडिंग हेडिंग भी याद कर देंगे और हेडिंग हेडिंग भी लिखाएंगे, अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3.5 नंबर आराम से आपको मिल जाएंगे, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ। अंदर का मैटर फिर भी आप कुछ खुद से लिख सकते हैं, लेकिन ये हेडिंग जो है ना, हेडिंग कौन सी, जैसे आपको दिखा दूं हेडिंग, ये वाली हेडिंग, ये हेडिंग है, ये देखिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी, ये हेडिंग हो गई, कंप्लायंस विद द रिलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द, ये हेडिंग हो गई आपकी, एप्लीकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एसए में रिक्वायर स्पेशल कंसीडरेशन, ये हेडिंग है, ये कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, ये हेडिंग है आपकी, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड बिलो द मिस स्टेटमेंट, ये आपका एक वो जो आपका मैं कहूंगा कीवर्ड है, ठीक है। ये ऐसी चीजें आपको कुछ याद करनी है, उससे आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल के है, पास्ट के है, सब मैं बता रहा हूँ आपको। हर अच्छे एक ऑथर की अगर आप यूज कर रहे हैं स्टडी मैट और क्वेश्चन बैग तो आपको वहां पर जरूर मिलेगा। अगर आप बात करें ऑडिटर्स रिपोर्ट इन केस ऑफ स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर पर्पस बताना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस पर प्रिपेयर हुई है, इंटेंडेड यूजर्स के बारे में बताना है, और अगर कोई चॉइस है तो उसके बारे में भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी रेफरेंस देते हुए चलना है। उसके बाद एक ये इंपॉर्टेंट हो सकता है
कि अलर्ट करने वाला कि क्या होता है कि देखिए जब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है ना या फ्रेमवर्क होता है वो एक सबके लिए होता है, एप्लीकेबल फॉर ऑल, वो सभी यूजर्स के लिए कॉमन होता है। लेकिन ये क्या है, ये किसी एक स्पेसिफिक यूजर्स के कहने पे कर रहे हैं हम, किसी एक पर्टिकुलर क्रेडिटर के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर हम किसी रेगुलेटर के लिए को सेटिस्फाइड करने के लिए एक पर्टिकुलर इंटेंडेड यूजर्स के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मे बी यूज फॉर अदर पर्पस, जैसे रेगुलेटर कहता है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड में पब्लिश कर दो, तो इससे क्या होगा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। तो हमें यूजर्स को अलर्ट करना पड़ेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर हुई है एज पर द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड मे नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर पर्पस, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, उसको वो जनरल पर्पस समझ के ना करे। तो आपको अलर्ट करना है यूजर्स को। और आप अलर्ट कैसे करेंगे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए एक ये क्वेश्चन आपका स्टडी मटेरियल में आपको लक्ष्मी करके शुरू होगा, सीए लक्ष्मी करके, वहां पर अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे वो क्या कह रहा है, हाउ द ऑडिटर शुड नॉट इंश्योर दैट द रिपोर्ट वुड नॉट बी मिसयूज्ड। आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर दैट इट इज फॉर सोनली फॉर द स्पेसिफिक यूजर्स, रिस्ट्रिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज, और एक पैरा आपको दिखाना है, अलर्ट करना है यूजर्स को अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, कि ये एक स्पेसिफिक यूजर्स के लिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर बनाई है। बस यही था इसके अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप कोई भी स्टडी मटेरियल, किसी भी ऑथर की किताब देख लें, किसी भी स्टडी मटेरियल देख लें, या फिर आप कुछ कहीं से भी देख लें, ये मैं आपको एश्योर करता हूँ आपको हर जगह यही टॉपिक मिलने वाले हैं, यही जो डिस्कस मैंने आपको करे हैं, इससे बाहर एक टॉपिक नहीं मिलेगा और इससे ज़्यादा आपको किसी भी ऑथर के क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नहीं देखेगा। यही सारे क्वेश्चन जो थे मैंने आपको कवर कर दिए 10 मिनट के अंदर अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और ना भी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और कोई वीडियो चाहिए वो भी बता देना, जो भी फीडबैक हो प्लीज़ बता देना, क्योंकि आपके फीडबैक, आपकी मोटिवेशन, आपके लाइक कमेंट्स ही मेरी मोटिवेशन है। बस इसी तरीके से नहीं ऐसे के साथ आपके भी जुड़ूंगा, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, आपके रिस्पॉन्स के बाद ही मैं अगली वीडियो रिकॉर्ड करूँगा आपके लिए। तो बस इसी के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा, इसी बात के साथ, बाय बाय, टाटा, सी यू।